हॉस्पिटल देखते साथ ही आप लोग जो है परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे देवर के घर बहुत ही प्यारी सी रहमत भेजी है और हमारा पूरा का पूरा टप्पर जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। एनी वे ये हम थोड़ा पाकिस्तानियों का है और लेकिन ये वजह नहीं है, बल्कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हुए ब्लेस्ड ऑफ दिस हैप्पी मोमेंट, और जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और ठाई ठाई खाई खुशी सेलिब्रेट की। और आफ्टर 7 डेज़, क्योंकि बीच में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, बहुत ही बिजी रूटीन थी। 7 दिन जब हकीका हुआ, हमारे जो मेल पर्सन है फैमिली के, उन्होंने खुद ही इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा है अगर आप खुद कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम एनर्जी, तो आप ये खुद ही करें, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आपके बिज़ी रूटीन आप नहीं कर सकते तो आप बाहर से पर्सन को हायर कर लें। एनी वे उसकी कटिंग शटिंग के बाद उसको वॉश किया अच्छे तरीके से, और मुझे स्टोर करना था बिकॉज़ नेक्स्ट डे हमारे यहाँ हकीके की दावत भी थी, तो उसके लिए सारी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने करके रख दी। तो यहाँ बेबी की जो नानो थी उनके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से गिफ्ट लाए, और मतलब देख के ना बहुत ही बंदे को मज़ा आता है, और जो ननिहाल को खुशी का लेवल होता है ना बहुत ही औसम होता है, और स्पेशली जब आपका फर्स्ट बेबी हो, क्योंकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हर कोई इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं मम्मी की तरफ चली गई और मैंने वहाँ पे 2 दिन स्टे किया और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। अच्छा, मुझे वहाँ पे ना पड़ोस के जो घर था उनके घर गई, तो मुझे वहाँ पे एक बेल नज़र आ गई जो बहुत ही मुझे पसंद आ गई। वो बेल को ऐसे है कि अगर उसको आप कहीं पे लगाते हैं तो वो पूरी दीवार को ना कवर कर लेगी, और बहुत ही बारीक बारीक से उसके पत्ते हैं और बहुत ही छोटा सा उसके ऊपर फूल है, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह रेड और पिंकिश सा कलर है इसका, और मैंने देखा उसके अंदर बीज भी लगे हुए थे, तो फिर वो मैंने बीज उसमें से निकाल लिए कि मैंने अपने घर में भी इसको प्लांट करना है, तो जब उसका सीज़न आएगा तो मैं उसको फिर लगा लूँगी। जब मैं घर वापस सही रास्ते से मुझे हस्बैंड ने पिक किया, और उसके बाद हमें मार्केट में थोड़ा सा काम था, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे सेल वगैरह भी लगी थी, तो मैंने सना सबीनास के स्टोर पे चली गई और उनका अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। उनकी जो समर कलेक्शन थी उनका बहुत ही फिट डिस्काउंट था, अप टू 40-70%। और फाइनली फिर मुझे वहाँ पे एक शर्ट पसंद आ गई, बहुत ही प्यारा कलर, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और जो इनकी मुस्लिन कलेक्शन है, न्यू इनकी जो कलेक्शन है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अभी की जो वैरायटी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है। इनकी पूरी शर्ट के ऊपर इस तरह गले दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई, और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा। और इसके बाद हमें भूख लगी और हम लोग चले गए KFC, और मुझे जिंगर खाने का काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था, और हमें कोई इस तरह चांस ही नहीं मिल रहा था कि हम लोग बाहर निकले और जाएं स्पेशली। और खैर अब आए हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना फिर हम KFC ट्राई। सदर वाली ब्रांच जो है इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो हम लोग मरी रोड पे चले गए हाल चेक करें कि अब खाने के लिए फिर जो है हमें वहाँ जाना। खैर हम लोगों ने जिंगर ट्राई किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो चले ये देख लेते हैं शर्ट्स जो मैंने बाई की थी, ये सना सफीनाज से मैंने शर्ट ली है उनके डिस्काउंट में वाले सेक्शन से, और बहुत ही मुझे रिजनेबल मिल गई, और इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर, और इसके ऊपर लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी भी है। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ आप टाइट वगैरह ले सकते हैं, और ऊपर मेरे पास तो इसके साथ ट्राउज़र भी मौजूद था और दुपट्टा भी था बिल्कुल मैचिंग में, तो इस फिर मैंने ये शर्ट बाई कर ली। और जो दूसरा वाला ड्रेस है ये ब्लैक एंड फिरोजी सा कलर, ये बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन, और फुल इस तरह शर्ट पे ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और जिसका दुपट्टा है थोड़ा सा मतलब इसका स्टफ डिफरेंट है, शर्ट कॉटन में है और शॉल है इसके स्टफ सिल्की टाइप का है, सिल्क कॉटन टाइप, और इसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बड़ी ही नफासत के साथ इसकी स्टिचिंग भी हुई हुई है। और इस तरह इसके साथ ट्राउज़र मैंने अलग से बाय कर लिए, क्योंकि ये ट्यूब 2 पीस में मुझे मिला था, और इस तरह ये मेरा फुल ड्रेस बन गया, और ये भी डिस्काउंट में से लिया था मैंने, और मुझे अच्छे प्राइस में ये मिल गया, क्योंकि जब इनकी जो नई कलेक्शन होती है वो ऑब्वियसली वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, स्टिच भी होता है, अगर एम्ब्रॉयडरी भी इसके ऊपर हुई हुआ तो वो ड्रेस एक्सपेंसिव होता है। और फिर ये मैंने लोकल मार्केट से ये वाला ड्रेस बाई किया था बिन सईद का, और इसको मैंने कलर की वजह से बाई किया था, मुझे ये कलर चाहिए था और ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस कलर में, और सारा इसके ऊपर हुआ हुआ काम, लेसिस वगैरह और चिकनकारी में फुल शर्ट है, और इसकी बाजू में बड़ी नफासत के साथ पैचेस वगैरह लेसिस वगैरह लगी हुई हैं, और इसका कलर शेड है बहुत ही खूबसूरत है, और आजकल इसका ट्रेंड भी काफ़ी है
इस तरह इसके साथ लाइट लॉन मैकिंग लॉन में इसका दुपट्टा था। और ये मैंने वेयर करके भी आपको दिखा दिया कि ये देखिए मैंने दुपट्टा कितना फिट इसके साथ मैच हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही थी, बहुत ही डिसेंट सी, क्योंकि मुझे जो लाइट कलर है ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं और स्पेशली जब वो सॉलिड हों मतलब वन टोन में हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ ब्लैक वन और ये बहुत ही, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था पहन के। इसके साथ जो शॉल है अच्छी खासी, बहुत वाइड और बहुत लेंथी और इसकी भी बड़ी ही प्यारी लुक है और ये पार्टी वेयर के लिए बहुत ही फिट ड्रेस है। और इस तरह से मैंने इसको वेयर किया और साथ आप मैचिंग में शूज़ वगैरह पहन लें और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये भी। और दैट्स इट। Anyway, that's all from me for today. Thank you for watching my videos. Keep in touch. Allah Hafiz.